नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार के अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। क्या आप भी हैं अपने शादीशुदा जीवन से परेशान? क्या आपके भी पति आपको करते हैं इग्नोर? वो आपकी किसी भी बात को नहीं मानते, वो आपसे हमेशा गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पति हर बात मानेगा आपकी, बस आपको 5 लौंग इस जगह पर रखना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपका पति आपके बस में हो जाएगा और किस तरह से आपकी बात को मानने लगेगा। अगर आप करना चाहती हैं अपने पति का वशीकरण, क्या आपके पति बस में नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करें। सभी महिलाएं यही चाहती हैं कि मेरा पति मेरे बस में रहे। तो आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपने पति को इस टोटके से आप भी कर सकती हैं अपने बस में। इन सब टोटकों से, इन तरीकों से करें अपने पति का वशीकरण। कभी कभी देखा जाता है कि महिलाएं इतनी परेशान होना चाहती हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता है कि आखिर में वो करें तो क्या करें। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसको आप अपने जीवन में अपना कर अपने पति का वशीकरण कर सकते हैं, अपने पति को अपने बस में रख सकते हैं और आपका पति आपकी कही हुई हर बात को मानेगा। लौंग से वशीकरण एक ऐसा वशीकरण टोटका है जिसकी मदद से आपका पति आपके बस में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, 5 लौंग, 1 रुई की बाती के साथ 1 कटोरी देसी घी, माचिस, 1 गिलास पानी और 1 डिब्बी सिंदूर रख लें। इसके लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, 5 लौंग को सिंदूर की डिब्बी में रखें, रुई की बाती को घी में डालकर, जिस कटोरी में आपने घी ले रखा है उसमें रुई की बाती को डालकर जला दें। फिर लौंग को सिंदूर की डिब्बी से निकाल कर उसे 1 गिलास पानी में डुबो। उसके बाद आपको इस मंत्र को बोलना है, ओम तत् भार्व नमो नम या रुद्र या मोहिनी कर मैं अमन। यानी कि आप अमन की जगह अपने पति का नाम लेकर नमो सोहा मंत्र का जाप करना है। तो इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है और आने वाले शुक्रवार को जो आपने लौंग ले रखा है, जिसपे आपने इस मंत्र से अभिमंत्रित किया है, दूसरे शुक्रवार को दोबारा 11 बार वशीकरण मंत्र पढ़े और तीसरे शुक्रवार यानी कि 15वें दिन उस लौंग का इस्तेमाल करें। 15 दिन के मतलब 15वें दिन अपने पति के आसपास लौंग को रख दें या फिर उसे आप चाय में डाल कर दे दें कि वो पी ले, इससे वो आपकी बात को मानने लगेगा। ध्यान रहे कि आपके पति को ये ना पता चले कि आप उसका वशीकरण कर रही हैं। अगर दोस्तों आपका पति भी आपके बस में नहीं है, तो इस बताए गए उपाय को अपना कर आप अपने पति को अपने बस में कर सकते हैं, अपने इशारों में पर नचा सकते हैं, अपने मुट्ठी में रख सकते हैं, जिससे कि आपका पति आपके कही हुई हर बात को माने। दोस्तों, अगर इसी तरह की समस्या से कोई आपकी मित्र या फ्रेंड परेशान हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस प्रॉब्लम से वो भी छुटकारा पाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।